नमस्कार, मैं हूँ राजेश कटुरिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश सहित देश भर की कुछ खास खबरों पर। इंदौर के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि, 5वें नेशनल वाटर अवार्ड में इंदौर जिला वेस्टर्न जोन में रहा बेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में रहा प्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जिला कलेक्टर आशय सिंह और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को दिल्ली में पुरस्कृत। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड इंदौर पर चल रही संभाग स्त्री दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं 8 जिलों के अनेक खिलाड़ी। इस प्रतियोगिता में इंदौर संभाग अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के एथलीट भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो करीबन 800 के आसपास जो एथलीट है वो अपना प्रतिनिधित्व करते हुए अपना लोहा मनवा रहे हैं। मंगलवार को सुनी रही इंदौर नगर निगम की जनसुनवाई, आयुक्त की अनुपस्थिति में मात्र 2 अपर आयुक्त ही पहुंचे नागरिकों की सुनवाई करने। अधिकारियों के इस रवैये को लेकर कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं पार्षदगण। आगामी त्योहारों को देखते हुए इंदौर पुलिस ने निपानिया स्थित एक होटल में 3 मार्ग ग्रेन पुलिस उपायुक्त अंकित सोनी के मार्गदर्शन में बम विस्फोटक 3 सही अन्य स्टाफ भी रहा साथ। इंदौर आरटीओ ने मंगलवार को फिर चलाया स्कूली बसों के खिलाफ जांच अभियान, 3 वाहन जब्त कर वसूल किया 55,000 का जुर्माना। यात्रियों से अधिक किराया वसूली सहित अन्य शर्तों का उल्लंघन करने पर अनेक बस चालकों से भी किया अर्थदंड वसूल। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा एम वार्ड क्रमांक 55 के क्षेत्रीय पार्षद पंखुड़ी डोसी पर भाजपा नेता जगमोहन वर्मा ने लगाया आरोप। आरएनटी मार्ग स्थित विद्यालय क्रमांक 2 में आम नागरिकों का रास्ता पार्षद ने लोहे का गेट लगाकर किया बंद। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध बुंदेली भाषी 12 साल की यूट्यूब एंकर बिन्नू रानी से मिलकर काफी प्रभावित हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बिन्नू रानी की बात सुनकर धागे लगाने पर मजबूर हो गए सभी लोग और अब पेश है 2 जाबाज खिलाड़ियों का हैरत अंगेज कारनामा, जिसे देखकर आप हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। देखते रहिए दोपहर न्यूज, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।